मेसी तो मेसी, उनकी वाइफ की भी दुनिया कर रही तारीफ। हस्बैंड के लिए जो लिखा वो आपको भावुक कर देगी। ये अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने वाली लव स्टोरी है। हर कोई कह रहा, काश ऐसी वाइफ हो तो दुनिया मुट्ठी में कर लूं। चैंपियंस, मुझे पता नहीं कि कहां से बात की शुरुआत करूं। हमें तुम पर बहुत गर्व है, लियोनेल मेसी। शुक्रिया हमें सिखाने के लिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आपको अंत तक लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें पता है कि आपने कई साल तक संघर्ष किया, लेकिन तुमने वो पा लिया जो पाना चाहते थे अर्जेंटीना। वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी की वाइफ एंटोनेला रोकुजो का ये प्यारा मैसेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना के लिए लिखा है। ये लियोनेल मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप था, इसलिए पूरी दुनिया अर्जेंटीना की जीत के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने का सपना वे लंबे समय से देख रहे थे, लेकिन हर बार चूक रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कप्तान के रूप में लियोनेल मेसी ने फीफा की ट्रॉफी को उठाया और अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर लिया। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद काफी भावुक हो गए। इस लम्हे को उन्होंने अपने परिवार के साथ जश्न मनाकर यादगार बनाया। मैच के समय मेसी की वाइफ एंटोनेला रोकुजो और उनके तीनों बच्चे मैदान में ही मौजूद थे। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब अवार्ड सेरेमनी हुई, तब लियोनेल मेसी का पूरा परिवार मैदान में पहुंच गया। मेसी ने पूरी फैमिली के साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाकर जश्न मनाया। मेसी के साथ उनके तीनों बच्चे और वाइफ की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। मेसी जितने सरल दिखते हैं, उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही खास है। मेसी की लव स्टोरी जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि अगर हादसा ना होता तो मेसी आज मेसी ना होते। बात तब की है जब मेसी की उम्र करीब 5 साल की थी, तो वो उस वक्त अर्जेंटीना के रोसारियो में रहते थे और न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब की तरफ से वे फुटबॉल खेलते थे। एक दिन अपनी ही टीम के साथी खिलाड़ी के घर डिनर पर गए। वहां पर उनकी मुलाकात एंटोनेला रोकुजो से हुई। उसी वक्त से उनकी प्रेम कहानी चलती आ रही है। हालांकि ये साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि 11 साल की उम्र में ही मेसी ने अर्जेंटीना छोड़ दिया और बार्सिलोना में शिफ्ट हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां भगवान बनाता है, इसलिए ये एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ गए। लियोनेल मेसी जब बार्सिलोना शिफ्ट हुए तो एंटोनेला से उनकी मुलाकात बंद हो गई। 2004 तक दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे, लेकिन इसके बाद एक हादसा हुआ जिसने दोनों को फिर से करीब ला दिया। दरअसल एंटोनेला रोकुजो के सबसे करीबी दोस्त की कार क्रैश में मौत हो गई थी, जिसके बाद मेसी ने उन्हें ढांढस बढ़ाया। यहीं से फिर दोनों की बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और दोनों फिर से दोस्त बन गए। साल 2009 में लियोनेल मेसी और एंटोनेला ने अपनी रिलेशनशिप को दुनिया के सामने लाया। साल 2012 में दोनों को पहला बेटा हुआ। बेटा होने के 5 साल बाद 2017 में लियोनेल मेसी और एंटोनेला ने शादी की थी। इस तरह 5 साल की उम्र से लेकर मेसी के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने तक के सफर में मेसी की पत्नी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, और आज जब मेसी वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए हैं तो हर कोई उनकी पत्नी की तारीफ कर रहा है। आपको मेसी की लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।